Okay. So now we would like to start with our part B. This is going to be more interesting in the sense that it will give you more insights. First part was primarily हम लोगों ने जो रखा था to give you macro level view कि furniture industry कैसे होने वाली है, क्या-क्या changes हो रहे हैं customers behavior के अंदर, आगे future कैसा दिखता है, what are the key parameters, whether reliability, quality etc. तो अब part B जो होगा it is more pertaining to HEPO business. Okay, so before I start, let me welcome here Mr. Anil Goyal. He is the managing director, as you know, about Hetic India. आपको थोड़ा सा background दे दूँ, because आप लोग कई लोग बिल्कुल नए हैं, out of the trade भी हैं, और इसमें से कई हमारी parties जो हैं वो prospective channel partners हैं. तो कई तो already हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कई जुड़ने की चाहत रख रहे हैं, या they are wanting us to get enrolled. So for benefit of all, Mr. Goyal has been associated with Hetic India for almost 19 years now. And under his leadership, Hetic India has grown as a number one brand in furniture fitting space in India. Let me share with you that Hetic India is the second largest subsidiary of Hetic worldwide after Germany. And under his leadership, there has been two manufacturing plants which have been set up in India. One at Baroda and other at Indore, recently commissioned. So industry knows him as a furniture fittings stalwart. So welcome, Mr. Goyal. Now I would Thank like you. You can share your vision about overall HEPO. Thank you, Prashant. सबसे पहले आपको नमस्ते, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम. आप लोगों ने समय निकाला, इसको अटेंड किया, आपका सबका शुक्रिया. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में हिंदी चलेगी? Yes sir, I think people prefer Hindi. Now English I would say some word by the English, but otherwise मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं हिंदी में बात करूं जितनी ज्यादा कर सकता हूं. देखिए कोरोना जो है ये प्रॉब्लम है, जो वायरस चालू हुआ है मेरे ख्याल से चलेगा कुछ समय तक, एंड इसके बाद भी ऑफ एंड ऑन जब तक एंटीडोट नहीं आती है, जब तक इस वैक्सीन नहीं आती है, जो होपफुली अगस्त सितंबर में आ जाएगी वैक्सीन. आज की तारीख में जो डेवलपमेंट है वर्ल्ड में, पूना में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो काम कर रही है, बाई एंड लार्ज अगस्त तक हमारी वैक्सीन आ जाएगी इसकी, तब तक थोड़ी बहुत तकलीफ तो रहेगी रहेगी. तो बिजनेस जैसे सब लोगों ने पहले बोला, मरोलिया जी ने, सुदामे जी ने, हर एक चीज का न्यू नॉर्मल आएगा. वो दोनों दिग्गज आदमी हैं, दोनों हमारे कस्टमर भी हैं, एंड दे जैसे मैंने आपको बताया कि वो दे ऑल लुक फॉर द गुड प्राइस एंड ऑल्सो वैल्यू, राइट क्वालिटी, राइट वैल्यू, दैट्स द रीजन दे बाय फ्रॉम अस. देखिए ऐसा है कि मैं आपको बिफोर वी स्टार्ट तो मैं आपको दो तरह से ले जाऊंगा. पहला, हमने शुरू कैसे किया था, हम आज कहाँ पे हैं और आगे कहाँ जाने वाले हैं, और उसमें आपका क्या कैसे बिजनेस बढ़ेगा. ठीक है सर? ये नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था बिजनेस HEPO का, ये सोच के कि हम लोग शायद स्क्रू के सबसे बड़े कंपनी बन जाएंगे वर्ल्ड वाइड. पर उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो क्वालिटी है उसका प्राइस सही मिलता नहीं है, और दूसरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें अकेले स्क्रू से बहुत बड़ा बिजनेस बनाना बहुत मुश्किल है. तो हमको ये लगा कि हमको हार्डवेयर की रेंज बढ़ानी चाहिए, जो सुदामे जी ने भी कहा कि सब हमको रेंज जो है प्रोडक्ट की वो बढ़ानी पड़ेगी. तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं फॉर द लास्ट 1.5-2 ईयर्स. सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया 35 mm की टेलीस्कोपिक स्लाइड, which is guaranteed quality better than anyone available in the country, only next to Hetic. आपको जान के खुशी होगी that one customer bought 70,000 slides for one project. अभी पिछले एक महीने के अंदर हम लोगों ने दो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं दो मैन्युफैक्चरर के साथ, जो एक आदमी 1 लाख टेलीस्कोपिक का और दूसरा 60,000 का टेलीस्कोपिक का, दो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं पिछले से 45-60 दिन के अंदर. दूसरा उसके बाद हम लोगों ने 45 mm की टेलीस्कोपिक लॉन्च कर दी. ये दोनों टेलीस्कोपिक इंडिया में बनती हैं,
और हैट्रिक बनाती है हमारे लिए एंड प्राइस हैट्रिक से कम है, इसका मतलब कंपनी लॉस ले रही है आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए और अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए आपके साथ। तो ये आप लेके चलिए कि जो बिजनेस है आपका ये बढ़ता चला जाएगा। तीसरी चीज ये है कि उसके बाद हम लोगों ने लॉन्च किया हिंज, स्लाइड ऑन हिंज, साइलेंट भी और रेगुलर भी। दोनों हिंज की सेल बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट आपको शायद मालूम नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं, हम लोग दो यूरोपियन कंपनी से बात कर रहे हैं उनकी वर्ल्ड वाइड रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए। एंड जो बात डिस्कशन है बहुत एडवांस स्टेज पे है, पर एक कंपनी ने ऑलरेडी क्वालिटी अप्रूव कर दी है एंड दे जो अभी नया ऑर्डर है वो दे विल लॉकडाउन के बाद हमारे पर प्लेस करेंगे। दूसरी कंपनी क्या ऑलरेडी टेस्टिंग में है। आपको कई बार लगता होगा कि हमारी रेंज जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, उसका रीजन ये है कि हम लोग क्वालिटी टेस्ट करते हैं, बिना क्वालिटी टेस्ट के काम हमारा कोई प्रोडक्ट हमारा इंट्रोड्यूस नहीं होता है। तो हम लोगों ने वो इंट्रोड्यूस किया। अभी इसके बाद हम लोग दो तीन प्रोडक्ट और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें गैस पंप भी है, कुछ आपके नए कनेक्टिंग फिटिंग है, एल ब्रैकेट है, रेस्टेक्स है, मल्टीपर्पज लॉक है, डियर, बहुत सारी चीजें आप लेके चलिए। हर दूसरे महीने में आपको नया प्रोडक्ट मिलेगा। अभी एक क्वेश्चन देखा था मैंने कि साहब हैट्रिक की रेंज कितनी बड़ी हो जाएगी, वो हिपो की। आप ये लेके चलिए कि जितना जितना आपका वो है, आपकी रिक्वायरमेंट होगी जिसकी जिस चीज की, सब बराबर मिलेंगी आपको। ये एक दिन में नहीं हो सकता है, इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज हम जैसे मैंने आपको बताया कि हैट्रिक मर्सिडीज है, हिपो टोयोटा है। ये आप समझ के चलिए कि बिजनेस आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मर्सिडीज बिकती है 5,000 और टोयोटा बिकती है 5,00,000, तो आपका बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा होगा एज कम्पेयर टू हैट्रिक। तो मेरा सोचने का तरीका ये है कि आप सबका और हिपो का दोनों का बिजनेस फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो पर्सनल फीलिंग है कि हिपो एक दिन हैट्रिक से बड़ी हो जाएगी और ये इंटरनेशनल ब्रांड बनेगा। ऑलरेडी वी हैव गॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर इन नेपाल, वी हैव अपॉइंटेड डिस्ट्रीब्यूटर इन श्रीलंका, एडवांस डिस्कशन चल रहा है हमारा बांग्लादेश में, वी हैव गॉट द ऑर्डर फ्रॉम कई कंटेनर ऑर्डर का हमारे मिडिल ईस्ट से, पिछले महीने हम लोगों ने कंटेनर सप्लाई किया। तो जितनी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो बहुत बढ़िया हैं। तो मेरे को तो ये लगता है कि बेसिकली हम लोग जो काम कर रहे हैं राइट क्वालिटी पे, क्वालिटी मटेरियल एश्योर्ड क्वालिटी देना, तो हमारा जो वैल्यू प्रपोजिशन है राइट क्वालिटी एश्योर्ड क्वालिटी द राइट प्राइस, बिजनेस धीरे धीरे आपके लिए मतलब बढ़ेगा। और यस, थोड़ी मेहनत हमको भी करनी पड़ेगी, थोड़ी आपको भी करनी पड़ेगी। ये होगा कैसे, हम लोग कह रहे हैं फ्यूचर हमारा ब्राइट है, वो कैसे होगा? पहली बात तो देखिए कि जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया आपको, कंपनी 400 से ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाएगी पूरे हिंदुस्तान में। जो जहां बन गया वो 400 से ऊपर नहीं नंबर होगा किसी हालत में भी। तो अगर सेल बढ़ेगी और हैट्रिक से बड़ी कंपनी होगी तो आप सोच लीजिए आपके हिस्से में कितना बिजनेस आएगा। दूसरा, कंपनी गारंटी करती है आपका लॉस नहीं होगा किसी हालत में भी। अगर आपका कोई माल, देखिए आप माल जो बेचते हैं वो आपको थोड़ा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, आपको नगद माल बेचना शुरू करना पड़ेगा आगे से या एक हफ्ते के उधार पे। आपका जो है वो एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर कोई माल बिना बिका हुआ है वापस कंपनी लेगी, ठीक है सर। दूसरा, हम लोग बात कर रहे हैं कि देखिए कंपनी हर आदमी को सेल्समैन प्रोवाइड कर रही है, उसका पर्टिकुलर लेवल आपको अचीव करना है, पर कंपनी आपको सेल्समैन दे रही है, सारा खर्चा कंपनी लेती है। तो आपका ना खर्चा है एक्सेप्ट गोडाउन का, ना आपका बेसिकली कोई उसका इन्वेंट्री का इन्वेस्टमेंट है। आप 10 बार माल खरीदिए, आपको 10 बार माल उसी भाव में आएगा, आपका FOR आएगा, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं आ रही है। तो आप इंस्टेड ऑफ माल खरीदने के एक बार आप 4 बार माल खरीदिए, हर हफ्ते माल खरीदिए, तो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं है, आपका खर्चा नहीं है, और आपका बेसिकली जो पैसा उधार दे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट निल है। इसके अलावा हम लोग डिजिटल टूल डेवलप कर रहे हैं जिससे आपकी सेल बढ़ेगी, उसमें हम लोग कई बार आपकी सेल करके आपको वापस कर देंगे, मतलब आपको वी विल ऑल्सो ब्रिंग सेकेंडरी सेल फॉर यू थ्रू डिजिटल मीन्स।
और ये देखिए अभी कंपनी ने सीडी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है, जिसमें आपको अगर आप पेमेंट करते हैं बिफोर सप्लाई तो आपको 3.5% डिस्काउंट मिलेगी। ये पॉलिसी चालू हो रही है 1 मई से। कंपनी आपके लिए अरेंजमेंट भी कर देगी कि आपको कोई ना कोई क्रेडिट लाइन खुल जाएगी, तो आपको पैसा मिलेगा बैंक से 0.25% में और आपको डिस्काउंट मिलेगी कंपनी 3.5% की, तो आपको इवन कैश डिस्काउंट में डबल फायदा होगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, आप ये लेके चलिए कि आपको ये कंपनी आपको सपोर्ट करेगी और आपको थोड़ी मेहनत करनी है। आप जो भी मान लीजिए आपकी दुकान मेरठ में है तो मेरठ की हर एक हार्डवेयर शॉप को बेचनी चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर कम से कम 20,000 हिंज महीने का और कम से कम 3,000 टेलीस्कोपिक बेच सकता है, कम से कम। इनफैक्ट मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैंने किसी से बात की तो वी आर एग्रीइंग फॉर ए बिजनेस ऑफ मोर देन 50 लाख रुपीज अ मंथ, व्हिच ही सेज ही कैन टेक इट टू 1 करोड़ ऑफ रुपीज। 50 लाख बिजनेस महीने का वो करने को तैयार है और 1 करोड़ तक का बिजनेस हो जाएगा। अभी कुछ थोड़ी देर बाद आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है सर ना। ये आपको एक और चीज बताता हूं मैं, हम कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है, क्यों ब्राइट है? देखिए दो चीजें हैं हमारी। पहली बात तो हम लोगों को जो डोमेन की नॉलेज है, जो इंडस्ट्री की नॉलेज है 130 साल की, वो किसी को नहीं है। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो हमको उसको मालूम है कि किस आदमी से बात कर रहा है तो सही प्राइस हमको मिलता है, नंबर वन। नंबर टू, हम लोग कोई ऑर्डर के हिसाब से नहीं खरीदते हैं, हम लोग ये खरीदते हैं कि साहब आपके पास जो कैपेसिटी है उसका 50% हमने खरीद ली, 30% हमने खरीद ली। आपको शायद मालूम होगा कि बेसिकली दैट अभी हम लोगों ने 2 एग्रीमेंट साइन किए हैं, एक हैटिक के साथ फॉर सर्टेन नंबर ऑफ टेलीस्कोपिक स्लाइड। इतनी टेलीस्कोपिक हम हर महीने लेंगे हिपो के ब्रांड में, बहुत 35mm वाली भी और 45mm वाली भी। ऐसी हमारा हिंच का है कि साहब हमारा हिंच जो है हम इतना हिंच आपसे लेंगे। तो हम अपनी कैपेसिटी की बात करते हैं और ये हमारा जो सिस्टम है ये वर्ल्ड ओवर चल रहा है। प्रोफाइल किसी और कंपनी से बात की हमने, टेलीस्कोपिक इंडिया, हैटिक इंडिया बना रही है हमारे लिए। मेरे को तो ये लगता है कि बेसिकली जैसे जैसे दिन बढ़े मतलब ऊपर जाएगा, हम लोगों का बिजनेस आपका भी और कंपनी का दोनों का बढ़ेगा। और हमारा एक ही उसूल है, आपका फायदा तो कंपनी का फायदा। ये बिल्कुल एक सिंगल लाइन प्रिंसिपल हमारा है। अब इस काम के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे से जो आप मेरी जो आपसे एक्सपेक्टेशन है, पहला या तो आप कैश डिस्काउंट लें और या 30 दिन के अंदर पेमेंट करना शुरू कर दें, दो काम पहला। दूसरा, मिनिमम एक सेटल कर लें कि साहब इतना माल मेरे को हर महीने बेचना ही बेचना है। देयर शुड बी अश्योर्ड वॉल्यूम एवरी मंथ। तीसरा मेरा इशू जो आपसे ये है कि आप ये लेके चलिए कि जो शहर का हर एक हार्डवेयर कॉर्नर है, मतलब हर एक हार्डवेयर की शॉप है पूरे उस आपके शहर में, वो हैटिक का माल, वो हिपो का माल बेचे। अगर उसमें कहीं आपको तकलीफ है तो कंपनी भी सपोर्ट करेगी आपको। तो मेरे ये अगर हम सिर्फ 3 काम करें तो बिजनेस आपका, मेरी जो सोचने का तरीका है कि कम से कम 1 साल में हर एक आदमी का बिजनेस 10 से 15 लाख रुपए के बीच मिनिमम हो जाएगा महीने का। तो कम से कम 2 से 5 करोड़ के बीच महीने की सेल, साल की सेल होगी आपकी हर एक आदमी की। अगर आप लगा लीजिए कि सऊदी अरेबिया को हमसे माल खरीद रहा है तो बेवकूफ तो नहीं है वो आदमी, उसके पास चाइना का भी एक्सेस है, हमारा भी एक्सेस है, तो क्यों खरीद रहा है हमसे? क्योंकि हम लोग उसको क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं एट ए प्राइस जो उसको मिल नहीं सकता कहीं से भी। और ये दोनों कस्टमर जो आपने देखे अभी, गोदरेज भी और सुदाम स्पेसवुड भी, दे आर बिगेस्ट बायर। अगर मेरा प्राइस ठीक है तो मेरे से क्यों खरीदते? तो आप ये लेके चलिए कि आप लोग हमको जो है इकट्ठे काम करना है, साथ साथ ग्रो करना है, कंपनी आपको बराबर सपोर्ट करेगी। और जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट का साइज बहुत बड़ा है और हिपो एट वन डे विल बिगर देन हैटिक। मैं इसी के साथ बोलना चाहता हूं कि आपको कि कंपनी की सपोर्ट बराबर है आपको, और जितने आपके प्रश्न होंगे इसके बाद ऑपरेशन के, स्ट्रेटजी के, वो मैं इसके बाद आपके सब आंसर कर दूंगा। धन्यवाद। Thank you, Goel sir. I think thanks for your insights.
आई थिंक इम्पोर्टेंट टेक अवे जो है सबके लिए कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है बोथ फ्रॉम कंपनी एंड ऑल्सो फॉर अवर ट्रेड पार्टनर्स. नंबर वन, हमारी कंपनी में प्रोडक्ट आने में थोड़ा टाइम लग रहा है. उन्होंने रीजन समझाया कि क्यों, बिकॉज वी फॉलो द इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी इज द की. सो जो भी प्रोडक्ट हम लेकर आते हैं दे आर वैलिडेटेड इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी बिफोर वी ब्रिंग इन इंडियन मार्केट. ठीक है, कंपनी की तरफ से सपोर्ट पूरा रहेगा. टॉकिंग अबाउट सेल्समैन, सेल्समैन कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड होगा विद सर्टेन वैल्यू सेल्स. अगर किसी भी कारणवश कोई मटेरियल स्ट्रक हो जाता है, नहीं बिक पाता है, कंपनी इज रेडी टू टेक बैक द मटेरियल. दैट मींस टेक्निकली स्पीकिंग वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस जिसमें जीरो रिस्क है. आप समझिए, आज के व्यापार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अन्य व्यापारी देखता है कि किसी भी धंधे में मेरा रिस्क कितना है. तो कंपनी उस रिस्क को मिटिगेट कर रही है कि आज आपके लिए टेक्निकली इस बिजनेस के अंदर या हैपो के बिजनेस के अंदर आपका रिस्क ऑलमोस्ट वर्चुअली मिनिमल है. अनदर पॉइंट इज रेफरिंग टू कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी काफी अच्छी रिटर्न है. वी टॉक अबाउट इट लेटर. नई पॉलिसी के बारे में बताया, कैश डिस्काउंट जो 3.5% है. ठीक है, और इंपॉर्टेंटली जो उनकी 3-4 चीजों पे इंफेसाइज है कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है हमारे ट्रेड पार्टनर से कि आप बिजनेस को सेटल कर ले कि या तो कैश डिस्काउंट में काम करिए, सेकेंड ही सेइंग या 30 दिन की उधारी के अंदर काम करिए. काइंडली इंश्योर कि अपने सारे रिटेलर्स के पास हमारा मटेरियल पहुंचे. दैट मीन्स जितने दुकानदार आपके शहर में रिजिस्ट्रेशन में है वहां पर हमारा मटेरियल अवेलेबल हो. ओके, थैंक यू गोयल साहब फॉर योर इनसाइट्स. आई थिंक नाउ वी विल क्विकली रन टू अ वेरी स्मॉल प्रेजेंटेशन. आप लोगों को एक स्मॉल प्रेजेंटेशन अभी रन करेंगे जिसमें आपको थोड़ा और इनसाइट्स मिल जाएगा अबाउट द कंपनी. ओके, सो आई विल क्विकली रन इट फॉर ऑल. सो इट इज टू गेट यू द बिगर पिक्चर अबाउट हैपो. सो वी विल कीप ऑन मूविंग क्विकली. Next slide, please. Okay, so हम basically यहाँ पे क्या cover कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपको हैपो के बारे में बताना, हमारी distributors के साथ क्या attributes हम ढूंढ रहे हैं, and आप लोग अगर हैपो के साथ जुड़ रहे हैं तो क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कई सारे channel partners हैं जो interested हैं. एक हमारे साथ already जुड़े हुए हैं और कई लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं. तो इस forum में, इस platform में उनके कई सारे questions हम we will try to answer it here. Next. ओके, जैसा कि बताया कि हेटिक हैपो जो है इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन हेटिक जर्मनी एंड पोदार ग्रुप. दैट मींस ओनरशिप जो है वो सेम है जैसे हेटिक इंडिया की है. पोदार ग्रुप आप लोगों को बता दूं जिसमें कंपनीज लाइक ज्वारी केमिकल्स, ये पारादीप फॉस्फेट, चंबल फर्टिलाइजर, इट्स मोर देन 20,000 करोड़ ग्रुप. ओके, सो दैट इज अ पार्टनर इन हैपो फॉर दैट मैटर. ऑलरेडी जैसा कि बताया कि हम ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में अपना बिजनेस कर रहे हैं. आज की डेट में हम अपने आप को बोल रहे हैं कि हम एक स्मॉल चाइल्ड है, बट आगे जाकर हमारा मानना है विद फास्टर पेस वी विल बी एबल टू एंड बिकम अ मार्केट लीडर इन द सेगमेंट जिसमें हम काम कर रहे हैं. नेक्स्ट, ओके, सो व्हाट अबाउट द मिशन, विजन एंड वैल्यूज. वी आर सेइंग अवर मिशन इज टू बिकम इंडियाज लीडिंग फर्नीचर फिटिंग कंपनी विद ग्लोबल प्रेजेंस. ऑलरेडी गोयल साहब ने आपको बताया हमारी ऑलरेडी कई कंट्रीज में हम लोगों ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है और हमारा मानना है कि धीरे धीरे करके हम बहुत सारे कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस को फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे. हमारा विजन ये है कि टू एनरिच द लाइफ ऑफ पीपल थ्रू क्वालिटी प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस. हमारा बेसिक असूल ये है कि हम अच्छा प्रोडक्ट देंगे कस्टमर को एट अफोर्डेबल प्राइस. दैट इज गोइंग टू बी अवर की. वैल्यूज की हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट कोलैबोरेशन, ओपननेस, एम्पैथी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड टाइम टू मार्केट. सो दीज आर अ 5 कोर वैल्यूज विच वी हैव डिफाइंड. और हमारा मोटो सिंपल है कि वी ग्रो टुगेदर एंड फास्टर. जैसे गोयल साहब ने बोला कि अगर आपका गेन हमारा गेन है तो वी आर सेइंग दैट आप हमारे साथ हैं तो हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आप ये देखेंगे, मिस्टर मरोलिया ने भी बार बार उन्हीं चीजों पे इंफेसाइज दिया था दैट एनी सप्लायर एनीथिंग विच इज लुकिंग फॉरवर्ड इज बेसिकली क्वालिटी, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड ऑफकोर्स द सर्विस. तो हैपो की जो प्रपोजिशन है टेक्निकली इन 4 पिलर्स के ऊपर स्टैंड कर रही है. सो वी आर सेइंग टू बिल्ड अवर स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोजिशन दीज आर गोइंग टू बी अवर 4 पिलर्स. दैट मीन्स हम अच्छा प्रोडक्ट देंगे, अच्छी क्वालिटी देंगे, प्रोडक्ट जो कि निरंतर बार बार यूज कर सकते हैं आप उसको, रिलायबल होगा, अफोर्डेबल दैट मीन्स कस्टमर के लिए वो अपनी रेंज के अंदर होगा, एंड ऑफकोर्स बैकअप अलॉन्ग विद बैकअप ऑफ सर्विस लेवल्स. नेक्स्ट,
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आज हमारी क्या प्रेजेंस है इंडिया में. जब मैंने बोला आज हम बहुत छोटे हैं, बट जस्ट टू गिव यू द पर्सपेक्टिव, आज हमारे पास दिल्ली बॉम्बे में अपने कॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं. हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स मिडिल ईस्ट, नेपाल, श्रीलंका में स्टार्ट कर चुके हैं. हमारे पास करीबन 130 डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में, और हमारा गेम प्लान है टू हैव अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटर्स लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. हमारा वेयर हाउस जो है वो भिवंडी में है. वी हैव गॉट अ सेल्स टीम व्हिच इज प्रेजेंट ऑन पैन इंडिया बेसिस. जिसको और इनसाइट चाहिए ही कैन गो टू द वेबसाइट एंड कैन फर्दर गूगल इट. एट्रीब्यूट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या एट्रीब्यूट्स चाह रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, हमारी कंपनी की चाहत क्या है आपके प्रति. सो हियर वी हैव बाइफर्केटेड, अपनी जो एट्रीब्यूट्स हम ढूंढ रहे हैं वो दो प्रकार के हैं. वन इज पर्सनल और दूसरा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से. तो पर्सनल का मतलब ये है कि आप कितने एस्पिरेशनल हैं, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड इट्स अ स्टार्टअप कंपनी और अ न्यू कंपनी, इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम. बट आपका एस्पिरेशन क्या है कि आप उस ग्रोथ स्टोरी के साथ या उस सक्सेस स्टोरी के साथ अपने आप को जुड़ना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. एटीट्यूड कैसा है आपका, आपकी प्रैक्टिसेस एथिकल है और आप कोलैबोरेटिव है कंपनी के साथ, ओके. और बिजनेस के प्रति अगर हम बात करें तो आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क क्या है, दैट मींस हम हार्डवेयर आउटलेट्स कितने आपके साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कैसी है, आपकी आपके पास वेयर हाउस की जगह है कि नहीं है, आपका बाजार में गुडविल कितना है, एंड ऑफ कोर्स आपके पास डिलीवरी मैकेनिज्म है कि नहीं. सो टेक्निकली दीज आर द बेसिक एट्रीब्यूट्स हम जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से चाह रहे हैं. तो व्हाई हैपो, हैपो के साथ आपको क्यों जुड़ना चाहिए. आई थिंक ये सवाल कई लोगों के जहन में अभी भी है. तो आगे इसके अंदर हम आपको डिफाइन करने चाहते हैं कि प्लीज अंडरस्टैंड कि लॉट्स ऑफ चॉइसेस, विद लॉट्स ऑफ चॉइसेस एंड फास्ट ग्रोइंग मास मार्केट, दैट मींस कि जो नीचे का पिरामिड है वो बहुत बड़ा है और बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल है और बहुत तेजी से वो ग्रो कर रहा है. तो कस्टमर्स हमेशा उसके अंदर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एट कॉम्पिटेटिव प्राइस ढूंढ रहे हैं. तो हियर देयर लाइज द अपॉर्चुनिटी. और हम लोग जो अपनी वैल्यू प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं कि वी विल बी ऑफरिंग ग्लोबल प्रोडक्ट्स टू इंडियन कंज्यूमर्स विद एश्योर्ड क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस विद अ ड्यूली बैक्ड विद सर्विस लेवल्स. सो टेक्निकली आप देखेंगे एक तरफ अपॉर्चुनिटी और एक तरफ हमारी वैल्यू प्रपोजिशन है, दोनों जगह जेल होती है. तो इससे दिखता है कि द फ्यूचर इज क्वाइट ब्राइट. सी अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट है. सो आई एम सेइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए स्लाइड को समझना कि वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स विद मैक्सिमम रिटर्न, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, डेडिकेटेड सेल्स पर्सन जो हम बात कर रहे हैं उसको, marketing support for retailers and carpenters which will be giving on time to time basis, be a part of extended hectic family, territorial bifurcation rahega hamara, high quality products hamari taraf se offering rahegi and low joining cost hai. aaj ki date mein hamare paas jo cost of joining hai wo comparatively bahut low hai. aap koi bhi vyapar karenge to aapko pata hai aaj ki date mein kitna investment chahiye hoga, aur that is an added advantage ki with minimum investments you can have maximum returns and profits. ओके इसमें इंपॉर्टेंट ये सब है जो हम बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि लो इन्वेस्टमेंट्स एंड हाई रिटर्न्स. सो वी आर गारंटिंग दैट अवर डिस्ट्रीब्यूटर विल मेक 10% ग्रॉस प्रॉफिट्स एंड इन अ वे दे कैन इजीली मेक 50% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. मुझे बताइए आज की डेट में अगर आप बैंक में एफडी करा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आरबीआई की गाइडलाइंस आज की डेट में 5% से भी कम की है. और कोई भी व्यापार अगर 1-1.5% से ऊपर है तो लोग बोलते हैं साहब आज की डेट में अच्छा व्यापार है. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 4% से ऊपर आप रिटर्न ले सकते हैं ऑन अ मंथली बेसिस अगर आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से एस्टेब्लिश करते हैं अपने अपने बाजार के अंदर. पोर्टफोलियो ये बहुत जरूरी है समझना कि आज हमारे पास क्या प्रोडक्ट है और आगे कंपनी का गेम प्लान क्या है. सो लेट मी शेयर विद यू वेरी प्राउडली दैट वी हैव अ wide range of woodworking and building and construction screws. So technically speaking, किसी भी प्रकार का स्क्रू, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो SS हो, चाहे वो ड्राइवॉल हो, चाहे वो सेल्फ ड्रिलिंग हो, चाहे वो हैंडल फिक्सिंग हो, किसी भी प्रकार का स्क्रू आज की डेट में हैपो की रेंज में अवेलेबल है. We are trying to make it more and more competitive and एक सिंबल अम्ब्रेला के अंदर we are the only company which has got the complete range of screws.
with respect to woodworking and also the building and construction. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे हमने टच बेस किया कि पहले हम स्क्रू लेकर आए थे, फॉलोड बाय हम टेलीस्कोपिक चैनल लाए. आज के डेट में हमारे पास 30 केजी और 45 केजी, 45 केजी बोथ आर अवेलेबल एंड बोथ इन जिंक एज वेल एज इन ब्लैक वेरिएंट्स. दैट मींस ओके एंड फॉलोड बाय बट हिंजेस. इसकी बहुत बड़ी रेंज हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो वेल्डेड टाइप का हो गया, चाहे वो रेलवे हिंज हो गया. अगर हम ऑटो क्लोज हिंज की बात करें, हमारे पास दोनों अवेलेबल है, वेदर इट इज अ सॉफ्ट क्लोज वेरियंट और अ नॉन सॉफ्ट क्लोज वेरियंट. और इसके अंदर भी हम दोनों ऑप्शन दे रहे हैं कस्टमर को चॉइस करने के लिए, वेदर इट इज अ टू होल और अ फोर होल, अगेन एट द सेम प्राइस. ओके सो इसमें मैं बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना कि जो टेलीस्कोपिक चैनल है हमारी, वो हेटिक बड़ौदा फैक्ट्री में ही प्रोड्यूस हो रही है. सो दैट गिव यू फर्दर एश्योरेंस इन टर्म्स ऑफ हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी किस स्टैंडर्ड की है. सिमिलरली बाथरूम एक्सेसरीज, ये हम लोगों ने अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इट हैज गॉट अ ह्यूज रेंज. ये भी हमारी हेटिक की बड़ौदा फैक्ट्री में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. देन वी हैव गॉट अ वायर बास्केट इन हैपो ब्रांड, बेड फिटिंग्स, फर्दर एक्सेसरीज एंड इवन मेटल बॉक्स विच इज यूज फॉर ऑफिस फर्नीचर. आई थिंक दिस इज हमारी एग्जिस्टिंग रेंज की. अगर आज की डेट में हम बात करें, इंपॉर्टेंट है कि वॉट इज इन स्टोर फर्दर, नए प्रोडक्ट्स कौन कौन से. वी आर सेइंग दैट वी विल हैव टावर बोल्ट गोइंग फॉरवर्ड, ऑल द थ्री वेरियंट्स, वेदर इट इज SS, अल्यूमिनियम और ब्रास. देन आई थिंक जब लॉकडाउन खुलेगा, होपफुली उसी महीने में हम मल्टीपर्पज लॉग मार्केट को दे देंगे, बोथ इन 22 mm एंड ऑल्सो इन 32 mm. Then we will be also, we are bringing gas springs. All goes well, by middle of June, ये material भी हमारे पास available होगा. And all the variants. Okay, and this is followed by wooden dowels. Again, this is more of industrial product. And screw के अंदर, beside मैंने बोला, जो already range है, हमें और feedbacks आया कि कई जगह पे हमको अभी भी थोड़े से gaps available थे. उनको feed करने के लिए हम लोग अपनी further range को strengthen कर रहे हैं. Crusset screw, जो कि आज के में export और handicraft industry में बहुत use होने वाला है, we have already started supplying. So this is also one of the screw we are adding. Followed by saw thread, हम लोग zinc के अंदर बात करें या SS के अंदर बात करें, दोनों में ही हम Hepo brand के अंदर ये दोनों products लेकर आने वाले हैं. And then metal sockets against more of joinery fittings, Restex, as it was told to you. So what we are saying is more and more products are in pipeline and that too on a continual basis. So by हमारे लिए हमारी expectation ये है कि हम जो product लेकर आ रहे हैं, आप अपने अपने बाजार के अंदर उनको establish जरूर करिए, नहीं तो the basic purpose get defeated. Because वरना एक material आया और एक पीछे से छूटा तो वो उसका कोई हमको incremental benefit नहीं होगा, ना आपको ना as a company. So whenever we are bringing new products, आप उसका एक सर्टेन नंबर फिक्स करके अपने अपने बाजार में उसको एस्टेब्लिश करिए. दैट्स ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम अवर एंड. इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग कोलैटरल, बिकॉज़ प्लीज अंडरस्टैंड, लोग चाह रहे हैं कि हम क्या मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं या हम करने वाले हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने इसको एक ही स्लाइड में समराइज करने की कोशिश की है. So what we are saying is, कि अगर आप देखेंगे इसमें हम साइनेज बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के हो गए, चाहे हमारे टॉप रिटेलर आउटलेट्स हो गए. हम सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे हैं, बोथ फॉर डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल एज अवर रिटेलर्स. हमारे बिजनेस के अंदर कारपेंटर इज गोइंग टू बी अ वेरी की एलिमेंट और की इन्फ्लुएंसर. उसके लिए हम हेल्थ चेकअप टाइम टू टाइम करवा रहे हैं और कारपेंटर मेला या मीट्स करवा रहे हैं. लॉट ऑफ गिव अवेज एट द रिटेल आउटलेट्स, वेदर वॉल क्लॉक्स, पेन पैड्स एक्सेट्रा. एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया, जो हमारे वुडवर्किंग के साथ जुड़े हुए मीडिया है, प्रिंट मीडिया, उसके अंदर हम अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हैं. देन फर्दर गिव अवेज एंड फॉलोड बाय रीजनल लेवल की मार्केटिंग, वेदर इन टर्म्स ऑफ पोस्टर्स, बैनर्स और एनी अदर एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू अम्ब्रेला सेलिंग और फॉर दैट मैटर फ्लैंजेस एटसेट्रा. So what we are saying is, in Hepo, it's an ocean of opportunities, an ever-growing business with minimal investments and maximum returns. Direct for you. So, yeah. Okay, next. So what is the future ahead? We are saying that we will be
aspiring to become one of the largest furniture fitting brand in making. So time is to invest and seize the business opportunity now. तो यही वक्त है हम बोल रहे हैं जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़िए और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी देख चुके हैं हम क्या क्या लेकर आ चुके हैं और हम लाने वाले हैं तो आप अपने अपने मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल जर्नी. So that's it with respect to the presentation part. I think we'll go back to the panelists. To make it more, we can call the distributors. हमारे कई सारे distributors हैं जो अपने experiences को share करना चाहते थे. तो हम लोगों ने because of paucity of time कुछ चार और distributors को पकड़ा है जो अलग-अलग region से join कर रहे हैं. One of our distributors will be joining it from Srinagar, Mr. Abrar. Then there would be one of the gentlemen, Mr. Farooq, who would be joining it from Cochin. Followed by one of the distributors from Mumbai, which is Mr. Ranjit. And one of our distributors from Jaipur, Mr. Vaibhav. So Ashish, can we have them? ये ना फारूक अली मिस्टर रंजीत कोठारी ओके सो पीपल आर जस्ट जॉइनिंग इन आई थिंक ये जो बेसिक लेवल की पीपीटी थी दिस वुड हैव हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हैपो एंड ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट रेंज एंड आल्सो द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ you know the policies and also the the marketing. Farooq bhai is already on the screen so he can start. Farooq bhai you can share your experience. How has been your journey for last 2 years with Hepo? Chand bhai, I can start or you are unmuted? Yes, you can start Farooq bhai. Basically, I am an NRI doing business in Kuwait for the past 20 years and still doing. As a normal NRI, you know, everybody's intention is to come back to India and do some business. This was my dream and I was also cherishing this dream. And when I thought of starting a business in Kerala, I do business in Kerala. My company name is F2 Associates. So when I thought of starting a business in Kerala, the first thing that came to my mind was screw business or a distribution of hardware items. Mainly because I am a contractor in Kuwait doing turnkey projects where, you know, I know a lot of screws, channels and hinges which has been used in projects. The number of screws which has been used. So I had contacted Prashant Bhai and we had a meeting in his Delhi office 2.5 years back. And, you know, we were discussing everything and finally we started our activity 2.5 years back. And I was controlling my Kuwait business and India business simultaneously with the support of our team and, you know, Hepo team also. It was going intact together. And the journey is now almost 2.5 years. Together now. First of all, I can say that my experience has been extremely fruitful. In fact, the top management has completely supported me and involved with me in any activities whenever it has come. And, you know, it has been a collective teamwork which has happened. Normally, you know, we as a distributor, we all are aware that whenever there is a problem, it is very difficult to approach the top management. It is very difficult to approach the top management. But
in this case, it is always, you know, Prashant Bhai and Goyal Sahab are always with us whenever we have a problem. It is not that, and a lot of decisions we have taken and finalized over the phone. It is not that, you know, it has been days or months to sort out a problem, but it just hardly takes seconds and we finish the matter. I can just tell you one small example from my experience. I don't know whether this is the right platform to talk, but I just would like to talk. If Mr. Goyal Sahab give me a permission. Goyal Sahab? Boliye. Okay. Sir, I can tell you a very small example from my experience. I had met Goyal Sahab in India Wood exhibition in Bangalore. Prashanta, you know about the incident. I had met him on the India Wood exhibition and I was a beginner at that time. But, you know, I just started my business and we were still struggling to reach our points. And Goyal Sahab asked me, Farooq, you want any support? We are ready to support you. Then, you know, I said that we would like to have some dealer scheme to enhance the credibility with the dealer and to have a very good rapport with the dealer. Honestly speaking, I thought Goyal Sahab will say, okay, Farooq, I will see to it, or he might give me some small offer. This is what I thought. But to my big surprise, I got a big offer. That is a gold offer for selling screws to dealers. You know, it is an unimaginable thing which happened in my life. And to add up to the surprise, even before I left the exhibition hall, I got a mail from Prashant Bhai saying that the scheme has been approved. Further details will be mailed to you soon. You know, so all this happened so fast. This is just one example which I am telling. I don't want to tell more example and I don't want to, give another picture. But, you know, I just want to tell you one very basic thing. That is, we started with EPO and that was the only brand which we were doing. No other brand. We were not doing a lot of brands, but only HEPO. And when we started this, we were just doing screw business. With one product in our basket, we were able to establish 900 dealers. We were able to establish 900 dealers in Kerala with just one product, that is screw, with just one product. Imagine the screw business. It is a real killer business. If you really understand the business of screw, it is a real killer business. And I can tell you from my experience that it is almost like 2 to 2.5 crore business in every state. Okay. Whenever I say 2 to 2.5 crore business of screw, Goyal Sahab used to always correct me saying that, no, Farooq, it is more than 3, 3.5 or 4 crore business. But still, if I believe in my statistics, a 2 to 2.5 crore business is possible for screw in every state, put together all the brands. Okay, unlike other brands, you know, a lot of brands which has either a drywall screw or a stainless steel screw as their trump card, we have the whole garden with us. We have the whole umbrella with us, as Prashant Bhai said. You know, you name it a chipboard screw, you name it black drywall screw, you name it stainless steel screw, you name it self-drilling screw, anything, you have it. And now adding up the range from screw to other SKUs like channels, telescopic channel, hinges, multipurpose lock, bed fits, bathroom accessories. I am sure I see a huge potential in HEPO business, and with the transparency of the top management, I can assure to all my friends who are partners that it is the right time to get in and capitalize the situation, as HEPO always believe in minimum investment and maximum returns. I am confident. I see the business growing major milestone for very early years to come. And I am sure, as Goyal Sahab said, what Hetish has made in 20 years' time, I am 100% sure that HEPO will make it within 5 years' time. And to conclude the thing, I would like to say that, as Goyal Sahab said, HEPO is Toyota. You know, what is the value of Toyota in our life? Though I have a Benz, I would like to shift it to Toyota soon. But this is the real underlying thing. HEPO is a Toyota. If you really understand that word, you will understand the business of HEPO. But one thing I can tell you, don't think that screw business will go by itself. No, you should really have a dedicated team selling that product. It is not that you have a bunch of product, 10, 12 brands, and then you put HEPO in between and say that, okay, HEPO will sell 50 lakhs, 1 crore. No, it won't. You should have dedicated team
dedicated selling staff, then only it is possible. This is my request, and that's it. Thank you, sir. Thank you for giving the opportunity. Thank you, Farooq bhai, for your insights. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके experience को सुनकर. I'm sure बाकी लोगों के लिए भी एक अच्छी learning रही होगी. Now we can ask our Abrar bhai from Srinagar. If you can share your experience, because I think you just got associated last year only, and we all know Srinagar through tough times. So just share your experience with us. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon. The journey of joining HEPO, it was a strange one, as I was not aware of the market of fittings, not at all. We have been associated with adhesive and paint markets and waterproofing. And this word, HEPO, was not known to me at all. But a friend of mine, Mr. Ashwin, he came to my office. He got a reference from somebody from Pidilite. And he said, you should do it. It's a good one. You try it. And it was just a trial. And that time, HEPO was not known to anybody, not to me also. And there was a lot of issue of the word HEPO. What is it? Then we worked very hard. Ashwin ji worked hard with us in the market. And at that time, we were selling only channels, you can say, telescopic. And that time, we were doing a business of around margin 2 lakh rupees. And now we have touched it around 20 to 25 lakh rupees per month. And inshallah, God willing, we will take the sale high. And the trust has come in the market now. The word HEPO is doing fine. थैंक यू अब्रार भाई. आई थिंक दैट्स वेरी वेल सेड. इंपॉर्टेंट इज ट्रस्ट. जो हो सकता है हमने एक साल के अंदर आपकी मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश किया. आई थिंक ट्रस्ट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. वी ऑल नो तोड़ने में टाइम नहीं लगता है, मगर बनाने में सालों और डिकेड्स लगते हैं. ओवर टू मिस्टर वेब. वी आर लैकिंग सम, वी कैन से सम प्रोडक्ट्स व्हिच आर नॉट देयर, एंड आई होप इट विल बी देयर वेरी सून. अब्रार भाई, वी आर इंट्रोड्यूसिंग सम प्रोडक्ट एवरी सेकंड मंथ. So you will find a lot of new products coming in. And if you find any product which you need for your market, just please let us know. We will be in a position to get introduced in the market. Sure, sir. Now for information, we will also be introducing sliding. Okay. At a price you cannot imagine. That's great. Okay. Thank you, Abrar bhai. Now, Vaibhav ji from Jaipur. He would like to say something. How has been his experience? Good afternoon, Prashant ji. Good afternoon, Goyal sir. Good afternoon, sir. And good afternoon, everybody else on the joining us on this meeting. आप हिंदी में बात करेंगे तो और अच्छा लगेगा. जरूर सर. बिल्कुल. हिंदी में ज़्यादा like कर रहे हैं. जरूर सर, हिंदी में बोलने कोशिश करूँगा पूरी. सर, मैं HEPO से associated हूँ almost 2 साल से. और बहुत बेहतरीन रहा है एक्सपीरियंस. ये इससे पहले तक अभी तक पिडिलाइट से एसोसिएटेड था, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स और प्रोडक्ट्स से रहा हूँ एसोसिएटेड में साथ में. हार्डवेयर के लिए ये कह सकते हैं कि काउंटर्स ऑलमोस्ट वही थे, लेकिन हार्डवेयर एक नया प्रोडक्ट था मेरे लिए. और हमने शुरुआत स्क्रूज से की थी, जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को मार्केट में मिला है एज पर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. और शुरुआत हम लोगों ने की थी तो वी स्टार्टेड विद से अराउंड 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीना पे. अभी वी हैव टच्ड अराउंड 7 to 8 लाख रुपीज अ मंथ, इंक्लूडिंग स्क्रूज एज वेल एज अदर प्रोडक्ट्स आल्सो, टेलीस्कोपिक्स एंड हिंजेस. एंड द टेलीस्कोपिक 35mm जो टेलीस्कोपी है हमारी, उसको इंडस्ट्री में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. जब से हमने डिसकंटिन्यू किया उसको, तब से इंडस्ट्री हमसे दोबारा डिमांड कर रही है उस प्रोडक्ट को. मिल जाएगा, दोबारा मिल जाएगा सर, आपको चिंता नहीं करें. बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर. अभी शुरू में तो इंडस्ट्री ने उसको इतना पॉजिटिवली नहीं लिया था, लेकिन अभी इंडस्ट्री मांग रही है, मतलब दे आर सैटिस्फाइड विद द क्वालिटी बेसिकली. एंड वी बिलीव HEPO, विद HEPO विल गो लॉन्ग अहेड. बहुत अच्छा रहेगा बिजनेस आगे आने वाले समय के साथ. और जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि नए नए प्रोडक्ट्स रोज आ रहे हैं, तो बास्केट पूरा कंप्लीट होगा और एक अच्छा बिजनेस हम लोग कर पाएंगे HEPO के साथ.
Thank you, Vaibhav ji, for your experience. Now, Mr. Ranjit Kothari from Mumbai, can you share? You have been though new to the Upwork business, but if you can share your experience as well. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. You need to आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. हो गया. Yes. हेलो. बोलिए. हेलो कोठारी जी, सुन रहे हैं. नमस्ते गोयल साहब. नमस्ते जी. नमस्ते खंडेलवाल जी. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. बहुत अच्छा है एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये प्लेटफॉर्म पे आप लोग लेके आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हमारी पूरी टीम के लिए, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी तरफ से मैं चाहता हूँ कि आपने एक कंपनी ने पहल की है उसके लिए बहुत अच्छा है और आगे भी होगा. एज एन बॉम्बे का एक पार्ट सबब है और मैं बॉम्बे को 4 डिवाइडेशन में किया हुआ है, तो मैं ग्रेटर बॉम्बे का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ. वहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. जब मैंने 4 महीने पहले लिया था डिस्ट्रीब्यूटरशिप, स्क्रूज है जो बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास पहले 2 प्रॉब्लम्स थी. पहला था ब्रांड डेवलप करना और दूसरा हमारे को मार्केट में प्लेस कराना, तो वो एक चीज़ हमारे लिए थी. तो हमने कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स के साथ बात किया, जैसे मुकुंद भाई है, पूरी टीम है एपो की, उनसे बात किया. खंडेलवाल साहब है जिन्होंने बहुत सारा बैक ऑफ द सपोर्ट उन्होंने दिया हमको. तो हमने पूरे प्लानिंग की और आज उसको हम अच्छे लेवल तक और अच्छी क्वांटिटी में नंबर ऑफ प्लेसेस हमने उसको वहाँ पे किया है. और मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम इंडिया में किसी हार्डवेयर कंपनी ने 304 एंड 41410 जो स्क्रूज है वो इंडस्ट्री में लेके आए हैं और शॉर्ट हेड से. तो शॉर्ट हेड से कारपेंटर का बहुत सारा टाइम बचता है. ये चीज हमने जब कंपनी वालों के साथ मिलके कस्टमर्स को बताया तो दे आर रेडी टू एक्सेप्ट. और इन मीनवाइल पीरियड जितने भी थे वो मार्केट को हमारे शेयर से हमने वो उनके साथ अच्छे से समझाया तो उन्होंने जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को. और एज एन ए कंपनी प्रोडक्ट जब हमने उनको बताया कि लाइकन कंपनी 2-3 कंपनियां हैं जो लेवल की थी, उनके साथ हमने उनको कंपैरिजन बताया, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किया, तो हमारी खूबियां बहुत ज्यादा थी उसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर एज एन ए कंपनी प्रोडक्ट. और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑलमोस्ट इक्वल टू 5% अहेड रेदर देन अदर क्वालिटीज 100% अपग्रेड था. तो उन्होंने जल्दी से उसको एक्सेप्ट किया और वाइल्ड रेंज पूरी रेंज के साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया. और इस चीज से हमको हमारे टेलीस्कोपिक चैनल, दूसरे जो प्रोडक्ट्स है बैट फिटिंग, जो दूसरी हमारी 7 mm की थिकनेस की बैट फिटिंग दूसरे में नहीं आती जैसे हमारे में पहले सबसे पहले आई, तो वो एक चीज थी जो कंपनी ने जल्दी से मार्केट में एक्सेप्ट किया. और 100 हिंजेस है जिसकी प्राइसिंग अच्छी आ रही है अभी, तो वो हम चीजें देखा. बट हिंजेस की रेंज हमारे काफी अच्छे हैं तो वो चीजें हमारे लिए एक्सेप्ट हुई. और मार्केट से बहुत अच्छे से मूवमेंट कर गया इन 4 महीना. मेरे हिसाब से आई एम जस्ट सेलिंग अराउंड 10-12 lakh रुपीस. और इन फर्नीचर फिटिंग्स आई होप आगे जाके एक पीरियड जब भी लॉकडाउन खुलेगा और एक स्मॉल पीरियड में ये अच्छी अच्छी कंपनियों को बीट करके इट विल टेक ए मोर मार्केट शेयर बिकॉज ऑफ दैट कंपनी पॉलिसी, कंपनी स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट हमारे को हर 2 महीने में मिल रहा है जैसे अभी गोयल साहब ने बताया. और वॉच मार्केट है बाथरूम एसेसरीज का जो जहाँ लोग ज्यादा बॉम्बे में खर्चा करते हैं, किचन है, बाथरूम एसेसरीज है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है जो डेवलप हो गई. तो हम उनको प्रोडक्ट को आगे ले जाके वो एक मार्केट शेयर बहुत अच्छे से अपन ले सकते हैं. तो वो सब चीजें हमारे को एवरी 2 मंथ मिल रही है. और वन डिस्ट्रीब्यूटर लेवल उनका रोड मैप बहुत अच्छा है तो हमारे लिए ROI निकालना भी बहुत इजी है. अच्छा ROI निकलता है इससे. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज हेपो का एक चैनल पार्टनर से चैनल से जुड़ा हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात. और अदर कमिंग इन आफ्टर अ लॉकडाउन आई विल बी 30-40 lakh रुपीज कैन डू इन अ मंथ. Thank you, Kothari ji, for sharing your views and how you foresee sales happening. आपकी बाजार में कितनी sales हो सकती है over a period of time? I think if since it is a forum and all of the distributors are present here,
अगर आप कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ पर बिकॉज वी हैव गॉट सम क्वेश्चन विच हैज ऑलरेडी कम इन थ्रू चैट विंडोज दैट वी विल शेयर, बट अगर आपके दिमाग में जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी. यस फारूक भाई. Goel sir, you were talking about a cash discount of 3.5%. That is before payment, or you can give some days of credit? No, sir. देखिए ऐसा है कि मैं दो वो clear policy है. 3.5% discount चाहिए तो then you have to pay before billing. Number one. Okay. And if you want to pay within 4 weeks time, then it's 1.5%. 1.5%. Okay. Can you give a 15 days credit on a discount, sir, cash I'm discount? I'm giving 28 days credit. 1.5% discount. 1.5%. Why don't you give 2.5 on a 15 days? Just sir, because we want to do computer generated. Okay. We will look into your demand. Understood. Let me think about it. Okay. Anyone else want to ask any question? Or कोई पूछ रहा? प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, दे टारगेट द एंड यूजर्स. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ पेंट सेक्शन. दे स्ट्रेट अवे टारगेट द पेंटर. उसके लिए कुछ टोकन रखते हैं और पेंटर बोलता है कि भाई साहब नहीं, मैं आपका ही लगाऊंगा, वेदर इट बी एनी ब्रांड. आई डोंट वॉन्ट टू नेम द ब्रांड. सो दिस इंडस्ट्री इज ओवरसीज ड्रिवन कारपेंटर. Can't we do something to help carpenter so that he can buy only Hepo, whether it be channel, screw? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने. We will work out a scheme कि जो basically carpenter का होगा, just give me some time to work out a proper scheme because administration उसका बहुत difficult होता है. जी. तो मैं आपको पूरा database ही provide करूँगा. We already got a club, carpenter club, जिसमें 20,000 member हमारे पास already हैं. Fine. तो हर जगह के हैं, तो मैं उसका डेटा भी प्रोवाइड करूंगा आपको और वी विल वर्क आउट इंसेंटिव स्कीम फॉर देम, बट इट विल टेक सम टाइम. राइट, ठीक है. बट बिकॉज इसी मैं आपको बता देता हूँ, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज दो हैं, दी कारपेंटर और दी हार्डवेयर काउंटर. दोनों को हमको लुक आफ्टर करना है. जरूर. एंड कस्टमर इज नॉट अवर टारगेट. वी आर टॉकिंग ओनली दी कारपेंटर एंड दी हार्डवेयर डीलर. दैट्स ऑल. आई थिंक अब्रार भाई आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया होगा. तो इम्पोर्टेंट ये है कि दो चीजों पे हमारा बिजनेस या हमारा इन्फ्लुएंसर्स का रोल रहेगा, विच इज कारपेंटर्स एंड अगेन रिटेलर्स. देखिए रिटेलर्स आप लोगों के हाथ पे है, आप कितनी ज्यादा जल्दी उसको पेनिट्रेट करके अपना मटेरियल्स को प्लेस करा सकते हैं एंड इट स्टार्ट गेटिंग रेपिटेटिव ऑर्डर्स. देखिए कारपेंटर में क्या होगा, थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज एनीथिंग वी डू नेशनली विल टेक्स इट्स वी टाइम. एंड वी आर अभी हम अपने प्रोडक्ट्स को पहले एस्टेब्लिश कर रहे हैं and then we will further increase the demand through the carpenters. मगर आपके पास सबसे अच्छा टूल है कि आप अपने रिटेलर्स के साथ एक बिजनेस फिक्स करके और उसको रोटेट करिए. तो भाई हम लोग फिर अपने ओके चलिए. देन आई थिंक वी कैन गो बैक टू द क्वेश्चंस व्हिच हैज ऑलरेडी कम ऑन लॉट ऑफ द चैट बॉक्सेस. तो पहला क्वेश्चन जो निकल के आया है वो ये कि ड्यू टू कोरोना वायरस there would be reluctance among the people to spend money. मतलब लोग जो है पैसा कम खर्च करेंगे, तो इसका impact Hepo की sales पे क्या होगा और कितना होगा? ये बड़ा बढ़िया question है सर. आपको बता देता हूँ मैं आपको. Actually this question I've answered on many webinars. तो Mercedes की सेल कम होगी, Toyota की सेल बढ़ेगी. तो ये this is a very good thing for Hepo, क्योंकि basically क्या है कि जब आदमी काम जब उसके इनकम उसकी कम हो गई, वो ही इज लुकिंग फॉर क्वालिटी एंड ही इज लुकिंग फॉर ए गुड प्राइस. सो सेल ऑफ टोयोटा विल इंक्रीज मेनी फोल्ड. मेरे बात हो रही थी पहले किसी आदमी से बात हो रही थी, उसने मेरे को बोला कि उसके घर का टेली वो एसी खराब हो गया है. तो ही इज लुकिंग फॉर ए क्वालिटी विच इज बेटर देन दी व्हाट ही हैज बॉट अर्लियर. तो रिलायबल क्वालिटी विल बिकम मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट एट ए गुड प्राइस. सो आई बिलीव हैटिक जो Hepo का बिजनेस है दैट विल ग्रो मेनी मेनी फोल्ड. चलिए, देयर इज अ फर्दर रीअश्योरेंस फ्रॉम मिस्टर गोयल दैट ऑब्वियसली द सेल्स ऑफ Hepo विल फर्दर इंक्रीज पोस्ट लॉकडाउन फॉर द सिंपल रीजन कि लोग जो है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे और वैल्यू फॉर मनी ढूंढेंगे डेफिनेटली. तो देयर सिंस अवर पोजीशनिंग इज देयर, सो प्रोबब्ली द सेल्स इज डेफिनेटली बाउंड टू इंक्रीज. सेकंड क्वेश्चन इज कैन वी एक्सपेक्ट
गेटिंग मटेरियल ऑन टाइम, मतलब हम लोगों को माल क्या सही टाइम पे मिल पाएगा, बिकॉज बहुत सारी सप्लाई डिस्ट्रप्शंस है, हमको पता है मटेरियल फैक्ट्रियां बंद है, बाहर से माल नहीं आ रहा. Whosoever asks this question is very intelligent guy. देखिए ऐसा है, जो हिपो सर्विस ऑफर करती है वो करती है डोर टू डोर. पहली बात तो जो हिपो सर्विस आपको डिलीवरी दे रही है वो डोर टू डोर दे रही है, नंबर वन. नंबर टू, हमारी सप्लाई लाइन सबसे बढ़िया है आज की तारीख में हिंदुस्तान में. आप आज ऑर्डर करेंगे कल आपको माल डिस्पैच हो जाएगा. एंड मैंने आपको बार बार बोला कि साहब बेसिकली आप अपने धंधे में इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग एट वन टाइम यू ऑर्डर एवरी वीक. आपको माल उसी कॉस्ट में, डिस्पाइट स्मॉलर कंसाइनमेंट और लार्ज कंसाइनमेंट, आपको बराबर उसी कॉस्ट में घर पे आएगा आपको. तो और हमारी सप्लाई लाइन इतनी बढ़िया है, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास 300,000 square feet का वेयर हाउस है. 300,000 square feet का वेयर हाउस आप लगा लीजिए, क्या हम बात कर रहे हैं, और उसमें 6 layer लगा लीजिए. तो at any point in time delivery will be, we will be in a position to offer the best delivery. So in short we are saying that there will not be any supply shortages because of our strong supply chain. Next question is Hippo going to restrict only in furniture fittings, or are we planning to diversify in product portfolios in home improvement as well? मतलब आज की तारीख लोगों का मानना है कि क्या लो हम लोग क्या furniture fitting के अंदर ही काम करेंगे या समझ गया क्वेश्चन आपका. At least not for next 3 years we will restrict only to furniture fitting and woodworking industry. We will not go beyond this. So पहले अगले दो साल में definitely furniture fitting में रहेंगे. So we'll restrict to our core business, which is furniture fitting. हमारी knowledge वहीं पे है. For next maybe 2 to 3 years time from now. Yes sir. एक और क्वेश्चन है हमारे ट्रेड पार्टनर का कि ऐसे टफ टाइम में आपका क्या मानना है कि क्या चीजें हमको करनी चाहिए सो दैट वी आर एबल टू सर्वाइव वेल पोस्ट लॉकडाउन. देखिए सर ऐसा है, पहली बात तो सबसे पहले आपको बाजार में जो धार देते हैं उसको 1 हफ्ते से ऊपर का धार ना दें आप, नंबर वन. दूसरा, जो इन्वेंट्री है उसको कम करें, आप ऑर्डर करें वीकली बेसिस पे. नंबर तीन, अगर आप 4 brand बेचते हैं तो 4 brand की 2 brand कर दीजिए. जितने ब्रांड ज्यादा रखेंगे उतना आपका इन्वेंट्री पैसा ज्यादा लगेगा. तीनों काम करने पड़ेंगे आपको, बाजार में उधार आपको कम करना पड़ेगा, आपको इन्वेंट्री वीकली बेसिस पे ऑर्डर करनी पड़ेगी, तीसरा बेसिकली नंबर ऑफ ब्रांड कम करने पड़ेंगे. चाहे आप ए करें, बी करें, सी करें, ये आपकी इच्छा है, पर नंबर ऑफ ब्रांड कम करने पड़ेंगे आपको. उससे आपका जो पैसा है बिजनेस में वो कम लगेगा, वर्किंग कैपिटल कम लगेगी और आपकी आरओआई बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, और कस्टमर भी हैप्पी जाएगा क्योंकि उसको आप, आपकी रिलेशनशिप कंपनी से बड़ी होगी, बढ़िया होगी और कंपनी आपको ज्यादा सपोर्ट करेगी. आई थिंक दैट आंसर्स द फ्यू आइडिया जो हम बात कर रहे हैं कि सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी रहेगा, क्या महत्वपूर्ण रहेगा. आई थिंक ये क्वेश्चन फिर आया कि अगले 3 से 5 साल में, आई थिंक इसका आंसर दिया है, बट फर्दर बोल सकते कुछ इस पे फर्दर ऐड. आप भी दे सकते हैं इसका आंसर, तो मैंने बताया ही था आपको. सो यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड कि भाई अपॉर्चुनिटी इज ट्रिमेंडस, कंपनी इज गेटिंग वेरी एग्रेसिव विद नए प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट्स. तो स्काई इज द लिमिट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस हाउ वी आर एबल टू एग्जीक्यूट व्हाटएवर वी हैव प्लान्ड राइट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स. दूसरे से जवाब देता हूं, आपका जो बिजनेस है हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का, वो हैट्रिक के बड़े डीलर से भी कई टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डीलर ज्यादा हैं, इसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर बहुत कम है. तो आपका जो बिजनेस होगा भाई, कंपनी टर्नओवर बढ़ती चली जाएगी, और जब टर्नओवर बढ़ेगी तो वो कम आदमी में डिस्ट्रीब्यूटर लगा लीजिए आप, क्या होगा, तो आपकी टर्नओवर हैट्रिक के डीलर से कई टाइम ज्यादा होगी. I am a dealer of a competitor brand with limited network. Can I become a trade partner for Hippo?
प्रश्न है कि मैं कॉम्पिटिटर कंपनी का ब्रांड बेचता हूं और मेरे पास लिमिटेड नेटवर्क है और आपको क्या मैं ट्रेड पार्टनर बन सकता हूं हैपो का? सर, वो डिसीजन आपका और मुकुंद जी का और दीपक शर्मा जी का है, मेरा डिसीजन नहीं है। वो डिसीजन आपका है और वो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी, अगर आप कर रहे हैं तो कंप्यूटर ब्रांड छोड़ दें। दिस वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड। अगर आपने पीपीटी देखी ध्यान से तो हम लोगों ने कुछ आपको अपना वीडियो ऑफ करना पड़ेगा। यू कैन रेफर टू दैट स्लाइड, हमने बोला था कि हमने वीडियो ऑफ कर दीजिए अपना। ओके ओके, आई थिंक नाउ आई विल बी मोर ऑडिबल। यस, हमने जो बोला कि हमने एक स्लाइड आपको शेयर की थी कि क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए हम डिस्ट्रीब्यूटर्स में, पर्सनल व्यू पॉइंट से भी और बिजनेस व्यू पॉइंट से। तो अगर आपका मानना है कि आप उन पैरामीटर्स के अंदर फिक्स कर अपने आप को करते हैं तो डेफिनेटली वी हैव नो प्रॉब्लम इन लुकिंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कारपेंटर्स और पोस्ट लॉकडाउन, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये मानना है कि आगे जाकर हमको क्या करना चाहिए अपने रिटेलर्स के साथ या जो एसोसिएटेड कारपेंटर्स के साथ, हमारा क्या रुझान होना चाहिए उनके प्रति? देखिए, ऐसा है कि बेसिकली पर्सनल कॉन्टेक्ट जो कम होगा, सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा होगी, तो हम लोग टूल डेवलप कर रहे हैं, डिजिटल टूल विच विल हेल्प यू टू कनेक्ट विदिटेलर एंड कारपेंटर। सो वो हम लोग टूल आपको दे देंगे मोस्ट प्रोबेबली जून एंड तक, which will help you to connect with the, I'm say your customer, whether hardware counter or the carpenter, to get the order. It will be mobile based tool. So we are saying that हम लोग develop कर रहे हैं अपना tool, which will be more of a app driven, जहाँ पे आपको facilitate होगा। I am not saying app based or non app based. I'm saying I'm developing a tool for you. Okay. हाँ जी। और बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कमिंग इज कंपनी क्या क्या नए प्रोडक्ट लेकर आ रही है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हर दूसरे महीने नया प्रोडक्ट आएगा, जो चाहिए आपको बता दीजिए वो और आपका और आ जाएगा। करेक्ट। सो नाउ वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड टू द एंड, इट्स ऑलमोस्ट 13:30 आवर्स। सो एनी लास्ट लाइन बाय मिस्टर गोयल, लास्ट थॉट्स? देखिए, मैं तो आपको कह सकता हूँ कि आपको ये गारंटी कर सकता हूँ मैं कि नुकसान नहीं होगा और आपका बिजनेस हर दिन हर रात बढ़ेगा, पर उसके लिए हमको दोनों को एफर्ट करना पड़ेगा, जॉइंट एफर्ट करना पड़ेगा। हमको इंश्योर करना है कि आपके शहर में हर काउंटर हिपो बेचे और बराबर बेचे, कंपनी बराबर सपोर्ट करेगी, टूल डेवलप करेगी। तो गोयल साहब बोल रहे हैं इट्स क्वाइट रीअश्योरिंग कि आपका नुकसान नहीं होगा, दैट मींस द पॉसिबिलिटीज पर ग्रोथ इज ट्रिमेंडस। आई एम श्योर ये जो वेबिनार हुआ इसमें थोड़ी सी आपकी आंखें खुली होगी इन टर्म्स ऑफ कंपनी के प्रति कि क्या कंपनी आगे करने वाली है, वेदर वो नए प्रोडक्ट्स को लेकर, वेदर इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसीज को लेकर। और कुछ हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रेंड्स ने यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आपने खुद फील किया होगा कि उनकी जर्नी हमारे साथ लास्ट एक साल छह महीने दो साल के अंदर कैसी रही है। सो विद दिस आई थिंक वी विल क्लोज द टूडेज वेबिनार। I think thanks for attending the same and thanks for your valuable time. Thank you all once again. Wonderful, Amse, and you could participate. Anybody having any question, please write to us. We will answer the question. Thank you, Goyal ji. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, Khandelwal ji. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.